Hey guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में, हेली शाह के बारे में। उनकी जोड़ी तो आपने सभी के साथ देखी होगी, चाहे वो नमिष तनेजा हो, चाहे वो राहुल सुधीर हो, या फिर बात हो आप लोगों के फेवरेट एक्टर वरुण कपूर की, जहां पर श्वसन के नाम से जोड़ी फेमस हुई थी। सभी के अपोजिट नजर आ चुकी हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हेली शाह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेली शाह की जोड़ी कौन सा वो एक्टर है जिसके साथ खूबसूरती से पर्दे पर नजर आई है और जिसको जनता ने ज़्यादा प्यार दिया है, जिसको जनता आज भी ज़्यादा मिस कर रही है, वो कौन सी जोड़ी है। अपनी कमेंट्स के जरिए आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते होंगे स्वरागिनी शो में आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से इस जोड़ी को, जहाँ पर हेली शाह और वरुण कपूर नज़र आए थे स्वरा और संस्कार के कैरेक्टर में। दोनों की जोड़ी को फैंस ने श्वसन का नाम दिया और इतना ज़्यादा पसंद किया है इस जोड़ी को। आज भी अगर देखा जाए तो श्वसन के लोग दीवाने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेली शाह नमिष तनेजा के अपोजिट भी नज़र आ चुकी हैं। जी हाँ, स्वरागिनी शो के अंदर नमिष तनेजा और हेली शाह की जोड़ी भी नज़र आई थी। कुछ ही एपिसोड के ज़रिए जोड़ी नज़र आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। इस जरिए नमिष तनेजा के अपोजिट भी हेली शाह नज़र आ चुकी हैं और लोगों ने जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इन सब के अलावा अगर बात करें तो हेली शाह की जोड़ी राहुल सुधीर के अपोजिट सुपर डुपर हिट रही है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे इस में मरजावा सीजन 2 में ये जोड़ी नज़र आई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था इस जोड़ी ने। रिधिमा और वंश के कैरेक्टर से फेमस हुई थी ये जोड़ी। रिधिमा का कैरेक्टर अगर बात करें तो हेली शाह का एकदम डिफरेंट कैरेक्टर था, अभी तक के किए गए उनके सभी कैरेक्टर में से डिफरेंट था, और यही वजह रही कि यहाँ पर रिधिमा के कैरेक्टर से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। यूँ तो उन्हें हर एक कैरेक्टर में ही फैंस का प्यार मिला है, लेकिन अगर रिधिमा कैरेक्टर की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट था। और आपको बता दें, राहुल सुधीर का जो कैरेक्टर था काफ़ी जुनूनी कैरेक्टर था और लोगों ने इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आज भी इस जोड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ये दोबारा से जोड़ी नज़र आती है। खैर, वो तो रही एक अलग बात। कमेंट करके आप अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताइएगा, कौन सी जोड़ी आपकी है फेवरेट, क्या रिधिमा और वंश की जोड़ी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर स्वरा और संस्कार की, या फिर श्वरा और लक्ष्य की जोड़ी को। ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।